प्रभु राम जी जो हैं वो अच्छे पति और अच्छे पिता नहीं बन पाए, उसका क्या एक्चुअल उत्तर होगा गुरु जी? अच्छे पति और अच्छे पिता नहीं बन पाए क्योंकि सीता माँ को जो वनवास छोड़ दिए थे और जो भी दुख हुआ जो भी हुआ, इसीलिए उसी के हिसाब से उनका वो एक तो प्रश्न है कि वो अच्छे पिता उनके अच्छे आपके पड़ोसी से पूछना कि तुम बन पाए अच्छे पति और अच्छे पिता। वो भाभी जी हैं उनका क्वेश्चन है वो। अच्छा, तो उनसे बोलना कि राम जी एक अच्छे पुत्र भी हैं, एक अच्छे पिता भी हैं और एक अच्छे पति भी हैं, एक अच्छे मित्र भी हैं, एक अच्छे राजा भी हैं। राम एक अच्छे पति हैं, सीता माँ को उन्होंने वनवास नहीं भेजा। सीता माँ ने खुद कहा था कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ। जब सीता माँ गर्भवती हुई, राम जी को सूचना दी कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा, सीता कुछ मांग लो मेरे से, क्योंकि आप मेरे पुत्रों की माँ बनने जा रही हो। सीता मैया ने कहा, मेरा मन है कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म दूं, ताकि संतों वाले संस्कार बच्चों में आए। ये सीता मैया ने बोला, वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। और यही बात रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी भी ये बात लिख रहे हैं। दो जगह के प्रमाण में आपको दे रहा हूं। तो सीता मैया खुद चाहती थी कि मैं वनवास जाऊं, और जब वनवास लक्ष्मण जी सीता मैया को लेकर आए, तो सीता मैया से किसी ने पूछा कि बताओ सीता, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ दिया, क्या तुम राम जैसा पति राधे? सीता आवाज आ रही है? हाँ। सीता, क्या तुम राम जैसा पति चाहती हो? अब तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ दिया। सीता मैया बोली, ये लिखा हुआ है जो मैं बोलने जा रहा हूं। सीता मैया बोली कि जितनी भी बार मेरा जन्म हो, उतनी बार मेरे पति मेरे रघुनंदन ही बने। सीता मैया खुद बोल रही हैं, उस समय जब वो अयोध्या से निकलकर वनवास जा चुकी थी, तो ये तमसा नदी के किनारे उन्होंने बोला कि मुझे राम जैसा ही पति चाहिए। सीता मैया को कोई दिक्कत होती तो वो अगले जन्म में भी राम जैसा पति क्यों चाहती? तो सीता मैया को तो दिक्कत नहीं थी, और राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजा ही नहीं। सीता मैया की इच्छा थी मैं जन्म दूं कुटिया में बच्चों को, और एक समाज में एक आवाज उठी कि सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आवाज समाज की थी या राम की थी? राम राजा थे। राम कौन थे? राजा थे। और राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की बात सुनना या ना सुनना? सुनना। यदि सुनना धर्म है तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, यदि ना सुनते तो लोग कहते कैसा राजा है, प्रजा की बात ही नहीं सुनता। तो राम जी ने सुनी बात प्रजा की, तो क्या गलत किया? राम जी उस समय केवल पति नहीं थे, समझो। जब जिम्मेदारी आपको राजा की है तो वहां पर आप पत्नी की बात सुनेंगे, राजा को परिवार की नहीं प्रजा की बात सुननी चाहिए, यही राजा का धर्म है। तो प्रजा ने कहा कि सीता मैया को त्याग दो, तो राम जी क्या करते? मन थोड़ी था त्यागने का, प्रजा कह रही है तो धर्म है राजा का, उन्होंने किया। तो राम जी कहां दोषी हैं ये बताओ? किस एंगल से आपकी पड़ोसन को, आपके पड़ोसी को लगा कि वो दोषी है? यदि दोषी होते राम जी को सीता माता पर संदेह होता, तो जब रावण के घर से आई उसी दिन त्याग देते? हाँ। फिर गर्भवती क्यों हो गई माता सीता? राम जी को संदेह यदि था तो सीता रावण के घर से आई तो ही ना त्याग देते उसी दिन, तो राम जी को संदेह तो नहीं था। संदेह किसे हुआ? प्रजा को। अब प्रजा का संदेह है, प्रजा की डिमांड है, इसमें राम का दोष क्या है? चलो ना निकालते, तो फिर मनमाने नाम से पूजे राम जी को, फिर क्या कहते लो? अरे वो तो मनमाने राजा थे, सुनते ही नहीं थे किसी की। तो आप बताओ क्या करते? आप होते राम जी की जगह क्या करते? जो राम जी किए वही करते। हाँ, जो राम भगवान जी किए वही करते। तो फिर बताओ राम जी एक अच्छे पति हैं या नहीं? ना, वो तो ये मैसेज। अच्छा ये बताओ, छोड़ो हमारी और आपकी,
मैं अच्छा पति हूं, ये बात कौन बता सकता है? फास्ट, हाँ ये बताओ, आप अच्छे पति हो ये बात कौन बता सकता है? मेरी पत्नी बता सकती है। केवल पत्नी बता सकती है, मैं नहीं बता सकता नहीं। ये आपकी पड़ोसन नहीं बता सकती, हाँ या ना? हाँ। आप अच्छे पति हैं ये बात केवल आपकी पत्नी बता सकती है, और पत्नी की बताई बात समाज को माननी पड़ेगी। तो राम एक अच्छे पति थे, इसलिए सीता माँ ने बोला कि हर जन्म में मुझे राम जैसा पति प्राप्त हो, ये बात लिखी है सीता माँ ने बोला। तो फिर सीता मतलब पत्नी संतुष्ट है तो ये पड़ोसन का है मरी जा रही है। आगे बोले राधे राधे बाबू जी।